हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस द सम ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स लाइक ई कॉमर्स सूट, चैटिंग सॉफ्टवेयर, चैटिंग अबाउट चैटिंग, मल्टीमीडिया डिलीवरी, वेबकास्टिंग, एनालाइजिंग वेबसाइट, वेब ट्रैफिक, इंटरनेट, टेलीफोन. ई कॉमर्स सूट, ई कॉमर्स सूट, सूट मीन्स होता है कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर. ठीक है, किसी भी चीज़ के कलेक्शन को हम सूट कहते हैं. ठीक है, ई कॉमर्स सूट का मतलब जैसे एमएस ऑफिस है, तो एमएस ऑफिस में क्या क्या है? एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेस. ठीक है, वर्ड है एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एमएस एक्सेस, उसको हम क्या कहते हैं? एमएस ऑफिस. तो एमएस ऑफिस क्या है? एक सूट है. तो उसी तरीके से ई कॉमर्स का जो सूट होता है, जिसमें सारे ही ऑप्शंस होते हैं शॉपिंग के, और बहुत सारे उसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट लाइक के, ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स द कस्टमर फेसिंग फ्रंट एंड कंपोनेंट एंड ऑनलाइन बिजनेस. अब इसमें क्या क्या करेगा वो? लाइक ये सॉफ्टवेयर क्या करेगा? मैनेज बैक एंड फंक्शंस सच एज अकाउंटिंग, ऑर्डर मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कस्टमर सर्विसेज. और ये एग्जाम्पल क्या है? जैसे शॉपिफाई, बिग कॉमर्स एंड वॉल्यूजन. ये दीज आर द नेम ऑफ द ई कॉमर्स सूट. और यहाँ पे कुछ और डिफिनीशन दिए, लाइक ई स्मार्ट कॉमर्स सूट इज फुल्ली फ्लेक्सिबल कस्टमर ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर दैट कम्स फुल्ली लोडेड विद द वेरी बेस्ट ई कॉमर्स फीचर ऑन द मार्केट. व्हाट इज चैटिंग? चैटिंग क्या है? अब चैटिंग, अब आप लोगों को चैटिंग से अच्छा तो अब आप लोग कुछ नहीं जानते होंगे. आप व्हाट्सएप पे चैटिंग कर सकते हैं, फेसबुक में आप चैटिंग करते हैं, आप ईमेल में भी आप चैटिंग का, उसमें बॉक्स अलग से बना रहता है, वहाँ पर आप चैटिंग करते हैं. फेसबुक में चैटिंग के लिए आप मैसेजिंग करते हैं, मैसेंजर पे आप चैटिंग करते हैं. तो इसलिए बहुत सारा आपको चैटिंग तो सारा आता ही है चैटिंग से रिलेटेड, क्योंकि चैटिंग आप लोग बहुत करते हैं ऑन द इंटरनेट. चैटिंग इज़ वॉट? टॉकिंग टू द अदर पीपल हु आर यूजिंग द इंटरनेट एट द सेम टाइम यू आर, बस इसमें रियल टाइम होता है चैटिंग में. तो किसी से आप बात कर रहे हैं तो बात करने वाला सामने होना चाहिए ना. ये थोड़ी कि आपने, कोई है ही नहीं, आपने अपनी बात रख दी और चले गए, फिर जिससे बात करनी है वो आया, वो आपकी बात सुन लेगा, कैसे सुन लेगा? इसको चैटिंग नहीं कहते. ठीक है, चैटिंग के लिए आमने सामने होना ज़रूरी है. लेकिन यहाँ पर जो चैटिंग की बात चल रही है वो ऑनलाइन बात चल रही है, इंटरनेट चैटिंग बात चल रही है. मीन्स कि दो डिवाइसेस हैं, उनमें इंटरनेट है. वो डिवाइसेस किस लोकेशन पर, इससे मतलब नहीं. दुनिया किसी भी लोकेशन में हो, दो डिवाइसेस के पास अगर इंटरनेट है तो दोनों डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो जाएंगे एंड दे कैन ट्रांसफ़र और मैसेजेस टू ईच अदर, दे कैन चैट टू ईच अदर. ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे चैट रूम होता है, और इसमें आप चैट रूम यूज़ कर सकते हैं, इमोशंस, इमोटिकॉन्स लाइक स्माइलीज वगैरह भेज सकते हैं. नेटिकेट का मतलब होता है एडिकेट, एटिकेट, एटिकेट का मतलब होता है तमीज़ और तहजीब के साथ आपको चैटिंग करनी चाहिए. अगर आप ऑफिशियल चैटिंग कर रहे हैं, दोस्तों से चैटिंग कर रहे हैं, तो थोड़े से आप स्लैंग्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, कुछ ऐसे वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि जो भाई दोस्तों में चलते हैं. लेकिन आपको जनरली ये कहा जाता है कि चैटिंग करते वक्त जो वर्ड्स हैं वो ऐसे यूज़ करें कि किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, किसी को दुख ना पहुँचे, किसी को आप एब्यूजिव लैंग्वेज का यूज़ ना करें, लूज टॉक का यूज़ ना करें. ये सब, इसी को हम नेटिक्वेट कहते हैं. अवॉइड फ्लेमिंग एंड स्पैमिंग. फ्लेमिंग स्पैमिंग का मतलब होता है कि आपको इंटरनेट पर इस तरह की चीज़ें चैटिंग में मत करिए कि किसी की बुराई हो, किसी जाति की बुराई कर रहे हो, धर्म की बुराई कर रहे हो, कंट्री की बुराई कर रहे हैं, किसी पर्सन की बुराई कर रहे हैं. तो इस तरह की बुराइयों से बचें, आग न फैलाएं, इसमें आग न लगाएं. ठीक है, ये होता है चैटिंग. मल्टीमीडिया डिलीवरी, मल्टीमीडिया डिलीवरी इज़ वॉट? नाम ही है कि डिलीवरिंग ऑफ मल्टी मीडिया. मल्टी मीडिया है क्या? मल्टी मीडिया क्या होता है? पहले मल्टी मीडिया को समझ लीजिए. मल्टी मीन्स मोर देन वन, मीडिया मीन्स मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, मोर देन वन मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, उसी को हम मल्टी मीडिया कहते हैं. जिसमें आपका क्या आ जाएगा, क्या क्या आ जाएगा मल्टी मीडिया में? मल्टी मीडिया में आपके आ जाएगा ऑडियो, वीडियो एंड अदर मल्टी मीडिया कंटेंट आर बींग डिलीवर्ड ओवर द इंटरनेट. तो इंटरनेट पे बहुत सारे मल्टीमीडिया कंपोनेंट्स लाइक इमेज, फोटो, टेक्स्ट, एनिमेशन, ये सब डिलीवरी होती है, ये सब जाता है. आप जैसे जैसे आपने व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप पे कोई वीडियो भेजी तो वो मल्टीमीडिया डिलीवरी कहलाई. आपने फ़ोटो भेजी तो वो इमेज आपने भेज दी, दैट इज़ ऑल्सो अ मल्टीमीडिया डिलीवरी. दैट मीन्स सेंडिंग एनी टाइप ऑफ ऑडियो, वीडियो, फोटो, पिक्चर, एनिमेशन ओवर द इंटरनेट इज़ नोन एज मल्टीमीडिया डिलीवरी.
वेबकास्टिंग इज वॉट वेट वेबकास्टिंग इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब इंटरनेट बेस्ड ब्रॉडकास्टिंग ऑफ ऑडियो एंड वीडियो कंटेंट. जैसे आप ऑडियो वीडियो कंटेंट को आपको भेजना है, ठीक है, तो आप उसका उसको आप इंटरनेट पर भेजने को ही हम वेब कास्टिंग कहते हैं. दैट मीन्स ट्रांसफरिंग या सेंडिंग द ऑडियो वीडियो ओवर द इंटरनेट इज नोन एज वेब कास्टिंग. कास्टिंग का मतलब यहाँ पर है ट्रांसमिशन से, सेंडिंग से. कास्टिंग मतलब सेंड करना. तो वेब सेंडिंग क्या होगा, कोई भी आप वीडियो कंटेंट है, ऑडियो कंटेंट है, या कोई भी चीज़ है आप भेज रहे हैं, तो वो हमारा वेब कास्टिंग कहलाता है. ठीक है, मल्टीमीडिया क्या होता है ये यहाँ पर दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिए. मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजीज़ क्या है, मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजीज़ का मतलब होता है कि इंक्लूड इंटरैक्टिव कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन दैट अलाउज पीपल टू कम्युनिकेट आइडियाज़ इंफॉर्मेशन विद डिजिटल एंड प्रिंट एलिमेंट्स. प्रोफेशनल्स इन द फील्ड यूज़ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टू डेवलप मैनेज ऑनलाइन ग्राफिक्स कंटेंट इज द मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी. बैंडविथ रिक्वायर्ड, बैंडविथ का मतलब होता है कि अगर आप कोई वीडियो भेज रहे हैं तो उसके लिए क्या स्पीड होनी चाहिए इंटरनेट के लिए, ऑडियो भेज रहे हैं तो उसके लिए क्या स्पीड होनी चाहिए, ठीक है, अगर आप कोई फोटो भेज रहे हैं तो उसके लिए क्या स्पीड वो होना चाहिए. अगर आप वीडियो भेज रहे हैं और वीडियो लाइव भेज रहे हैं, मीन्स जब आप वीडियो को रिकॉर्ड मतलब वीडियो को लाइव, अगर जैसे मैच है, आईपीएल मैच देख रहे हैं, तो आईपीएल मैच जब जिस समय आईपीएल चल रहा होता है, मैच चल रहा होता है रियल में, उसी समय आपके मोबाइल पर भी आ रहा होता है, लैपटॉप पे भी आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं लाइव स्ट्रीमिंग. क्या बोलते हैं, लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग. तो वीडियो स्ट्रीमिंग दो तरह की होती है, लाइव भी होती है, वीडियो स्ट्रीमिंग भी होती है. कि एक स्टूडियो में कोई प्रोग्राम चला और वो आपके मोबाइल पर आ जाए तो उसको हम वीडियो स्ट्रीमिंग कहते हैं, ठीक है. इसमें रिकॉर्डेड भी आपको दिखाते हैं वीडियो स्ट्रीमिंग में, तो उसके लिए क्या कनेक्शन इंटरनेट स्पीड होनी चाहिए, उसी को हम बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट कहते हैं. तो बिफोर बिलो आर इंटरनेट डाउनलोड स्पीड रिकमेंडेशन पर स्ट्रीम फॉर प्लेइंग टीवी शोज एंड मूवी थ्रू द नेटफ्लिक्स. लाइक नेटफ्लिक्स में 0.5 मेगाबिट्स पर सेकेंड है, 1.5 मेगाबिट्स पर सेकेंड है, वो किस चीज़ के लिए ये सब दिया हुआ है, ट्विच. लाइक ट्विच यहाँ पर क्या है कि ट्विच एक क्या है कि ट्विच इज़ अ वीडियो लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस ऑपरेटेड बाई ट्विच इंटरेक्टिव सब्सिडियरी ऑफ अमेजॉन. ट्विच एक वीडियो लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस ऑपरेटेड है, ये एक ऑपरेटर है. ट्विच बहुत बड़ी कंपनी है इंटरेक्टिव, ये अमेजॉन की एक कंपनी है जो कि लाइव वीडियोस को, जो भी आप अमेजॉन सीरीज़ वगैरह देखते हैं, अमेजॉन पे जो मूवीज़ देखते हैं, तो वो ट्विच ही आपको देता है, ठीक है. तो ट्विच में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, रिकमेंड 3 to 6 Mbps अपलोड स्पीड फॉर ब्रॉडकास्टिंग अ लाइव स्ट्रीम. फॉर कंटेक्स्ट, द एवरेज अपलोड स्पीड इज द US इज़ अराउंड 52 Mbps. सो मोस्ट पीपल शुड हैव प्लेंटी ऑफ बैंडविड्थ फॉर ट्विच स्ट्रीमिंग. उसको ट्विच स्ट्रीम कहते हैं, ठीक है. बाकी इसमें सब टेक्निकल पॉइंट्स है, सब पढ़ लीजिएगा. आपको नंबर सब दिए हैं कितनी कितनी स्पीड्स की ज़रूरत होती है. इंटरनेट टेलीफोन क्या होता है, आपको जिस तरीके से आप अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, तो मोबाइल फ़ोन के लिए क्या चाहिए होता है, सिम कार्ड्स चाहिए होते हैं. इंटरनेट टेलीफोन के लिए इंटरनेट कनेक्शन होने चाहिए. दो लैपटॉप्स, जैसे स्काइपी पे आप बात करते हैं, आप उसको भी इंटरनेट टेलीफोन कह सकते हैं, या आप इमो पे बात करते हैं, ऐप है उससे आप बात कर सकते हैं, या आप व्हाट्सएप में वीडियो कॉल ऑडियो कॉल कर सकते हैं. तो इंटरनेट टेलीफोन इज़ अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट अलाउज वॉइस कॉल्स एंड अदर टेलीफोन सर्विसेज लाइक फैक्स, SMS, अदर वॉइस मैसेजेस एप्लीकेशन टू बी ट्रांसमिटेड यूजिंग इंटरनेट एज कनेक्शन मीडियम, ठीक है. बाकी इसमें यहाँ पर थोड़ी सी और डिफिनेशन लिखी है कि इंटरनेट टेलीफोन इज़ अ पावरफुल एंड इकोनॉमिकल कम्युनिकेशन ऑप्शन बाई कॉम्बिनेशन ऑफ द टेलीफोन नेटवर्क एंड डेटा नेटवर्क. मतलब इंटरनेट भी होना चाहिए और टेलीफोन नेटवर्क भी होना चाहिए, तो आप इसे, और ये बहुत ही इकोनॉमिकल पड़ता है, मतलब सस्ती कॉल पड़ती है इंटरनेट से अगर आप बात करते हैं तो. जनरेशन ऑफ इंटरनेट टेलीफोनी, अब इंटरनेट टेलीफोनी में फर्स्ट जनरेशन में क्या होता था कि एनेबल वॉइस कन्वर्सेशन यूज़र विद टेलीफोन सॉफ्टवेयर इक्विप्ड कंप्यूटर. और सेकेंड जनरेशन में क्या था, सेकेंड जनरेशन में PSTN पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क इंटरफेस प्रोटोकॉल एंड मैपिंग आईपी एड्रेस. और थर्ड जनरेशन में क्या है, थर्ड जनरेशन में आपका टू वेज इंटरफेस बिटवीन द PSTN एंड इंटरनेट. एनालाइजिंग वेबसाइट,
वेब विजिट, जैसे मान लीजिए आपकी कंपनी है, आपने एक वेबसाइट बनाई, अब वो वेबसाइट को पूरे वर्ल्ड में कोई भी देख सकता है, तो पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ से देखी गई, कितनी देर तक देखी गई, उस पर क्या करा, कौन कौन सी चीज़ें ओपन करी गई, ये सारा का सारा एनालाइज करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वेब टूल्स होते हैं, बेस्ट वेब एनालिटिक टूल्स, जो कि ये बताते हैं कि आपकी साइट को कहाँ से कितनी बार देखा गया। तो वो टूल्स हैं आपके, जैसे साइट इम्प्रूव, स्टैट काउंटर, गूगल एनालिटिक्स प्रीमियम, गूगल एनालिटिक्स, सबसे फेमस आपकी गूगल एनालिटिक्स है ये, हीप, पार्स, पार्सली, मिक्स पैनल, ये सब दीज आर द नेम है। तो इनको क्या है, रिपोर्टिंग का काम होता है इससे, कि वेब एनालिटिक्स एप्लीकेशन कैन ऑल्सो हेल्प कंपनीज मेजर द रिजल्ट ऑफ ट्रेडिशनल प्रिंट और ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजिंग कंपेन। पूरा सारा आपको डेटा दे देगा कि आपकी साइट को कितनी बार देखा गया और कौन कौन सा उसमें टैब देखा गया। लाइक आपके उसमें चार पांच टैब है, होम है, पिक्चर है, गैलरी है, और बहुत से उसमें ऑफिस है, कॉन्टैक्ट है, उसमें किस पार्ट को ज़्यादा देखा गया, ठीक है, लाइक कितने लोगों ने कराया, कहाँ, और वो कौन से प्लेसेस हैं। तो आप क्या कर सकते हैं इससे, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को चेंज कर सकते हैं आप, अच्छा कर सकते हैं। और अगर आपको ये पता चल जाए कि किस एरिया से आपकी साइट को ज़्यादा देखा जा रहा है और किस तरह के यूज़र हैं जो देख रहे हैं, तो आपको ऐड करने में आसानी होगी, ठीक है। इसी तरीके से आप वेब ट्रैफिक को, जो इंटरनेट ट्रैफिक होता है, उसको भी आप एनालाइज कर सकते हैं। क्या क्या एनालाइज कर सकते हैं, नो वेयर योर ट्रैफिक इज़ कमिंग फ्रॉम, किधर से आपका ट्रैफिक सबसे ज़्यादा आ रहा है, सबसे ज़्यादा हिटिंग कहाँ से हो रही है, सो योर वेबसाइट सम ट्रैफिक, हैव सम ट्रैफिक, वैल्यू टाइम ऑन पेज, कितनी देर तक किस पेज को देखा गया, मोर पेजेस पर सेशन, एक सेशन में कितनी बार पेजेस देखे गए, अंडरस्टैंड योर ऑडियंस, क्रिएट कंपेंस, क्रिएट मंथली मार्केटिंग रिपोर्ट, आप मार्केटिंग रिपोर्ट भी कर सकते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें आप अपने वेबसाइट को बेटर बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और दिस इज़ ऑल अबाउट वेब ट्रैफिक एंड रिक्वायर बैंडविड्थ एंड द चैटिंग। ओके, दैट्स इट, थैंक यू।